गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से यूपीपीएससी और UPSSSC से संबंधित सभी परीक्षा अपडेट्स आपको समय से देते रहते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे रेगुलर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं आज कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल छपे हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। APS भर्ती में ओवरेज अभ्यर्थियों ने मांगा मौका। तो अभी आपको पता है कुछ दिन पहले एक शॉर्ट नोटिस उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी किया गया था, जिसमें 300 APS के पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन सितंबर के दूसरे सप्ताह में आने की बात की गई है। इसके अलावा 181 RO/RO के पदों का नोटिफिकेशन जारी किया गया था शॉर्ट फॉर्म में। तो उसी में ये कह रहे हैं क्योंकि काफी टाइम बाद, लगभग 10 साल बाद भर्ती आई है, तो ओवरेज जो अभ्यर्थी हो चुके हैं वो चाह रहे हैं कि हमें इसमें मौका दिया जाए। 2013 की परीक्षा में हुए थे शामिल, भर्ती पूरी होने के इंतजार में हो गए ओवरएज। सितंबर के दूसरे सप्ताह में APS के 300 पदों के लिए शुरू होनी है भर्ती प्रक्रिया। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सितंबर के दूसरे सप्ताह में अपर निजी सचिव APS के 300 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करने जा रहा है। आयोग की ओर से सूचना जारी होते ही पुरानी भर्ती के ओवरएज अभ्यर्थियों ने नई भर्ती में मौका मांगना शुरू कर दिया है। इससे पूर्व 10 साल पहले APS भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था, यह भर्ती अभी तक अधूरी पड़ी है। APS भर्ती का पिछला विज्ञापन वर्ष 2013 में जारी किया गया था। APS के 176 पदों पर भर्ती के लिए तीन चरणों में परीक्षा होनी थी, GS एवं हिंदी की लिखित परीक्षा वर्ष 2015 और हिंदी की शॉर्ट हैंड और टाइप टेस्ट परीक्षा 2016 में हुई। तीसरे चरण की कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा के लिए 1044 अभ्यर्थियों ने क्वालिफाई किया था। APS 2013 की तरह इस भर्ती में भी अभ्यर्थियों को नियमावली का उल्लंघन करते हुए शॉर्ट हैंड में 8% तक गलती पर छूट दी गई थी। आरोप लग रहे थे कि इस आड़ में कुछ अभ्यर्थियों को अनुचित लाभ पहुंचाया जा रहा है। ऐसे में आयोग ने 23 अगस्त 2021 को इस भर्ती के तहत हुई अब तक की दो चरणों की परीक्षा निरस्त कर दी थी। तो देखिए, 8 साल तो इसमें लग गए और उसके बाद उसको निरस्त कर दिया गया। पुनर्परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया। पुराने अभ्यर्थी से दोबारा आवेदन भी कराए गए, लेकिन पुनर्परीक्षा अब तक नहीं कराई जा सकी है। 2 साल तो इसके ही हो गए हैं आपका रीअप्लीकेशन कराए हुए। और APS 2023 में शामिल ज्यादातर अभ्यर्थी अब ओवरएज हो चुके हैं। देखिए, 10 साल निकल चुके हैं, मोस्टली सब ओवरएज ही हो जाएंगे। ओवरएज हो चुके अभ्यर्थियों में ये सब जितने भी हैं, इनका कहना है कि आयोग को वर्ष 2017 में ही APS के रिक्त पदों का अधियाचन मिल गया था, लेकिन नई भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया गया। तो अब इसमें ये चाह रहे हैं कि इनको दोबारा से मौका दिया जाए। तो अब देखा जाएगा इसमें आयोग की तरफ से कुछ इन्हें रियायत दी जाती है या नहीं। अगला, ये देखिए, काफी इंपॉर्टेंट, एक बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है। 52,699 सिपाहियों की भर्ती के लिए कार्यदायी संस्थाओं से अब मांगे गए हैं आवेदन। पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने आरक्षी नागरिक पुलिस PAC विशेष सुरक्षा बल फायरमैन और नवगठित महिला वाहिनियों में महिला आरक्षी के समकक्ष पदों पर भर्ती के लिए एजेंसी चयन की कार्यवाही शुरू कर दी है। यानी आपकी भर्ती है काफी तेजी से आएगी। बोर्ड ने 52,699 आरक्षी के पदों पर सीधी भर्ती की परीक्षा और अन्य कार्यों के लिए कार्यदायी संस्थाओं से आशय पत्र आमंत्रित किया है। 25 अगस्त तक कार्यदायी संस्थाओं को बोर्ड में आशय पत्र जमा करना होगा। सबसे बेहतर प्रस्ताव देने वाली संस्था को सीधी भर्ती कराने का कार्य सौंपा जाएगा। सूत्रों के मुताबिक कार्यदायी संस्था के चयन के बाद अक्टूबर में अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने की तैयारी है। इसमें 20 से 25 लाख अभ्यर्थियों के आवेदन का अनुमान है। बता दें, 3 वर्षों से पुलिस में करीब 36,000 आरक्षियों की भर्ती की कवायद हो रही थी, लेकिन कार्यदायी संस्थाओं के रुचि ना लेने से अड़चन आती रही। बीते नवंबर में भी कवायद शुरू हुई थी, लेकिन सिर्फ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने ही रुचि दिखाई थी, जिससे निविदा निरस्त करनी पड़ी। तो देखिए, इस बार आवेदन काफी आएंगे, 52,000 पद हैं, तो करीब 20 से 25 लाख तक आवेदन का अनुमान है। और देखिए, इससे ज्यादा ही जाएगा क्योंकि भर्ती बहुत बड़ी है और बहुत टाइम से कोई और इतनी बड़ी भर्ती आई भी नहीं है। तो देखते हैं कब तक ये कार्य पूरा हो पाएगा। जितनी जल्दी पूरा हो पाए उतना बढ़िया है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर इलेक्शन भी है, तो उससे पहले अगर भर्ती आएगी तो सभी के लिए अच्छा रहेगा। अगला, एक देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग का कल ये ऑफिशियल नोटिस आया था, विज्ञापन संख्या 26/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा। तो दिनांक 24/8/2023 से 26/8/2023 तक आयोजित होने वाली प्राथमिक परीक्षा एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 10/8/2023 से ई एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई, जिसमें अभ्यर्थी का आवंटित परीक्षा केंद्र कोड और जिले का नाम दर्ज है। दिनांक 21/8/2023 से अभ्यर्थी आवंटित परीक्षा केंद्र का पूर्ण विवरण अपने डैशबोर्ड के लॉगिन के उपरांत देख सकते हैं। तो जिन्होंने ये फॉर्म भरा है वो अपना पूरा सेंटर की डिटेल्स वगैरह देख सकते हैं, ताकि आप अपना पहले से, अगर कोई बाहर का स्टेट का है तो वो रिजर्वेशन वगैरह करा ले, क्योंकि स्टेट का एग्जाम है तो स्टेट में ही सेंटर आपका
पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी इस परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं उनको हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। आप अपना एग्जाम में बेस्ट दीजिएगा। 24 से 26 तारीख तक आपका एग्जाम है। इसके नेक्स्ट डे बिल्कुल 27 तारीख को बहुत बड़ा एक ड्यूटी का भी एग्जाम है जूनियर असिस्टेंट के 1262 पदों का, तो उनको भी हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। रिक्त सीटों पर दाखिले के लिए करें आवेदन, तो अगर कोई आपका ITI वगैरह में रिलेटिव हो तो उसको बता दीजिए। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य के राम ने बताया कि राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सेकंड फेज की आपकी चरण प्रक्रिया पूरी हो गई है। इसके बाद अगर रिक्त पदों पर आपको प्रवेश चाहिए तो इसके लिए अभ्यर्थी 20 से 22 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो अभी मौका है, जिनको ITI वगैरह में इंटरेस्ट हो तो आप इसका जानकारी उन्हें दे दीजिएगा। RRC ग्रुप डी 2019 का चौथा पैनल हुआ जारी, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए भी काफी लोग धरना दे रहे थे, लेकिन अभी भी लोग नाराज है क्योंकि बहुत कम अभ्यर्थियों को इसमें शामिल किया गया है। रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ द्वारा ग्रुप डी भर्ती 2019 का चौथा पैनल जारी कर दिया गया है। इस पैनल में 96 अभ्यर्थियों को शामिल किया गया है। उम्मीद यह जताई जा रही थी कि पैनल में तकरीबन 250 अभ्यर्थियों को जगह मिलेगी, लेकिन सिर्फ 96 अभ्यर्थियों को ही पैनल में शामिल किए जाने से अभ्यर्थी निराश हैं। पैनल में संख्या होने का अनुमान EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग वालों को ज्यादा हुआ है। पहले पैनल में 2103, दूसरे में 1909 अभ्यर्थियों को जगह मिली थी, लेकिन तीसरे पैनल में 64 और चौथे में 96 अभ्यर्थियों को ही शामिल किया गया। 500 से अधिक पद खाली होने के बावजूद भी मेडिकल पास व अभिलेखीय सत्यापन करा चुके अभ्यर्थियों को महीनों से भटकना पड़ रहा है, और इतने करने के बाद जब चौथा पैनल आया तो मात्र 96 अभ्यर्थियों को ही उसमें बुलाया गया है। तो देखते हैं इसमें अब क्या होगा। अभी भी लगातार छात्र इसमें लगे हुए हैं, तो ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। यही सारे आज के इंपॉर्टेंट अपडेट्स थे। इसके अलावा कल शाम को मैंने आप लोगों के कहने पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को स्किप करने का एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया था, और उसको मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी शेयर कर दिया था। तो अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देख लीजिए, और मैं चाहूँगा आप उसको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि मेरा चैनल उतना बड़ा नहीं है जितना और लोगों का है। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मैं लगातार ऐसे ही वीडियोज़ आप लोगों के हित में बनाता रहता हूँ, तो प्लीज़ उस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। Thank you so much.